हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं अपनी सीरीज़ का लास्ट पार्ट, जहाँ पे हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे आज हम दो सेक्शन कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन नंबर 80TA और सेकंड वन इज़ योर सेक्शन नंबर 80TB। दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। एक में इंटरेस्ट की बात हुई है फ्रॉम सेविंग अकाउंट, दूसरे में बात हुई है इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स के बारे में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। आपका जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा टोटल इनकम का, तो वहाँ पर ये डिडक्शन आपको बहुत ज्यादा यूज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 80TA क्या कहता है कि डिडक्शन आपको मिलेगा। किस चीज का डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, यानी कि जो आपने सेविंग अकाउंट अपने खोले हुए हैं, जो भी सेविंग अकाउंट आपने खोला हुआ है, उससे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिल ही रहा होगा। बैंक में आप अकाउंट खोलते हो ताकि पैसा सेफ रहे, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता रहे। लेट सपोज अब उससे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपनी अदर इनकम में ऐड करना पड़ता है, उसको शो करना पड़ता है कि ये मेरी इनकम है फ्रॉम सेविंग, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। तो अब इस सिचुएशन में आपने कहा कि यार सेविंग में मैंने अपना पैसा डाला, अब इतना जो है इंटेक्सेशन हो रहा है, इतना महंगाई बढ़ रहा है, तो कल अगर मैंने 100 रुपये डाला था, आज मुझे 103 रुपये वो बन के मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 103 की भी वैल्यू नहीं रखता। अगर मैं मार्केट में उससे कुछ लेने जाऊँ तो 100 रुपये का ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चल ठीक है, तो टेंशन ना ले, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डिडक्शन तेरे को दे देता हूँ, जो कि क्या होगी, डिडक्शन होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट के ऊपर। So, इसके लिए एलिजिबल SSC कौन है? कोई भी इंडिविजुअल या HUF जो है वो सेविंग अकाउंट के ऊपर अपना ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है, सेविंग अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन ले सकता है। डिडक्शन इज अलाउड टू एन SSC इन रिस्पेक्ट इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग अकाउंट विद बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। क्या बोला गया है? डिडक्शन अलाउड है किस उस SSC को जो यहाँ पे एलिजिबल है, किस रिस्पेक्ट में, इंटरेस्ट इनकम के रिस्पेक्ट में, जो कि उसको मिल रहा है कहाँ से, सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट चाहे उसका बैंक में हो, कोऑपरेटिव बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, तीनों में से जो है अगर कहीं से भी उसको इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में आपका डिडक्शन मिलेगा। तीनों में मिलेगा मतलब एक में अलग नहीं, टोटल करके बात कर रहे हैं। सो रेजिडेंशियल सीनियर सिटीजन कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको यहाँ पे क्लेम नहीं मिलता, डिडक्शन नहीं मिलता, वो क्लेम नहीं कर सकते डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे 10,000 है। लेट सपोज आपके 3 बैंक अकाउंट है, तीनों में से आपको 10,000 की जो है इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो आप तीनों में 10,000 का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे, बल्कि तीनों को टोटल करोगे तो यानी 30,000 की इंटरेस्ट आपको मिल रहा है सालाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 10,000 का ही जो है आपको कह सकते हो कि डिडक्शन मिलेगा। वहीं अगर मात्र 9,000 रुपये आपको मिल रहे हैं एज एन इंटरेस्ट पूरे जितने भी अकाउंट्स आपके हैं, तो वहाँ पे 9,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। यानी कि आप देखोगे 10,000 और एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है उनमें से कौन सा सबसे कम है, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। देखो ऊपर बात कर दी कि सीनियर सिटीजन यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, तो कहाँ जाए सीनियर सिटीजन, बेचारा बुढ़ा बंदा कहाँ जाए? तो वो जाएगा सेक्शन नंबर 80TB में। तो 80TB में जो है बड़े बुजुर्गों के लिए यहाँ पे डिडक्शन दी गई है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट of interest on deposit for senior citizen, कि senior citizen जो deposit कर रहे हैं उस पर जो interest मिल रहा है उस respect में उनको deduction मिलेगा। resident senior citizen eligible होता है, अगर eligible SSC की बात करें तो resident senior citizen। अब उनको किस किस चीज़ में आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, चाहे वो बैंक के साथ हो, कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो या पोस्ट ऑफिस के साथ हो, मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे 50,000 रुपये है। ऊपर 10,000 था, यहाँ 50,000 रुपये है। सो ये था आज का हमारा लास्ट वीडियो, छोटा सा जो दो सेक्शंस बचे थे वो आज हमने कवर कर लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, हो सकता है अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।